टुडे वी विल स्टडी पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग जानने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? कोई भी टू डायमेंशनल क्लोज्ड शेप। यहाँ पे क्या है? क्लोज्ड शेप मींस वो क्लोज्ड होगी, ठीक है, फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ पॉलीगन। मतलब स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से जो भी क्लोज्ड फिगर बनती है उसे हम कहते हैं पॉलीगन। सपोज़ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितनी ट्राइंगल में कितनी स्ट्रेट लाइन है, 1, 2, 3। तो ये स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन करके जो क्लोज्ड फिगर बनती है उसे हम कहते हैं पॉलीगन। तो ये सब पॉलीगन्स हैं, ठीक है। एक टाइप के पॉलीगन्स ये हैं और ये जो नीचे हैं ये भी पॉलीगन्स हैं, क्योंकि इनमें भी स्ट्रेट लाइन है और वो सब जॉइंड है और ज्वाइन होकर क्लोज्ड फिगर बना रही है। बट दोनों अलग टाइप के पॉलीगन हैं। ये वाले पॉलीगन्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन और इन टाइप के पॉलीगन को हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सब 180 डिग्री से लेस होंगे, और कॉनकेव पॉलीगन में एटलीस्ट वन एंगल ऐसा होगा जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो ये है हमारी ये कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। तो अब यहाँ पे क्या है, ये सारे एंगल अगर हम देखें तो ये 180 से सब लेस हैं, ठीक है, ये सारे एंगल 180 से लेस हैं। बट इसी फिगर में कॉनकेव पॉलीगन में अगर हम देखें तो ये एंगल ग्रेटर देन 180 है, ये 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 और ये। तो यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट वन ग्रेटर देन अगर 180 होगा तो वो कॉनकेव हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा है तो ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है। देन सेकंड पॉइंट हमारा होता है, हम डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे कि ऑल वर्टिसेस पॉइंट आउटवर्ड, सारी वर्टिसेस आउटवर्ड पॉइंट करेगी कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में क्या होगा कि एटलीस्ट वन इनवर्ड पॉइंट करेगी। अब आउटवर्ड और इनवर्ड का क्या मतलब है, अगर हम इस साइड को देखें तो ये आउटसाइड पॉइंट कर रही है, तो ये सारी वर्टिसेस हम देखें तो ये सब आउटसाइड पॉइंट कर रही हैं। बट अगर इस फिगर में देखें हम तो ये वाली जो वर्टेक्स है ये इनसाइड पॉइंट कर रही है। तो अगर एटलीस्ट वन हमारी इनसाइड पॉइंट कर रही होती है तो उसे हम कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है हमारा कि अगर हम उसकी साइड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो वो पॉलीगन के अंदर एंटर नहीं करेगी कॉन्वेक्स में, और कॉनकेव में क्या होगा, एटलीस्ट वन जब हम प्रोड्यूस करेंगे साइड को तो वो इंटरसेक्ट करेगी और इनसाइड द पॉलीगन आएगी। तो यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं एग्जांपल, अगर इसकी सब साइड्स को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कोई भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, और कोई भी इंटरसेक्ट कर रही है तो बाहर कर रही है पर कोई अंदर नहीं आ रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है किसी भी लाइन के साथ, पॉलीगन के अंदर नहीं आ रही है। बट अगर हम ये वाला फिगर लें कॉनकेव, तो यहाँ पे जब हमने लाइंस को एक्सटेंड करा तो हमने देखा कि वो जो लाइंस है पॉलीगन के अंदर आ रही है और किसी साइड के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव। तो ऐसे हम डिफरेंस बता सकते हैं कि व्हाट इज़ कॉन्वेक्स पॉलीगन और व्हाट इज़ कॉनकेव पॉलीगन। देन हमारा पॉइंट आता है पॉइंट क्लिपिंग क्या होती है, पॉलीगन क्लिपिंग क्या होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था पॉइंट क्लिपिंग, देन हमने पढ़ा था लाइन क्लिपिंग, अब हम पढ़ेंगे पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन क्लिपिंग जैसे आपने पॉइंट क्लिपिंग में पढ़ा था, पॉइंट क्लिपिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ये रेक्टेंगुलर विंडो है, अगर इसके अंदर पॉइंट है तो उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर बाहर है तो उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। ऐसी लाइन में हम क्या देखते थे, अगर कोई लाइन है तो अगर जो पार्ट उसका विंडो के अंदर आता था उसे हम रहने देते थे और बाहर वाले पॉइंट को हम रिजेक्ट करते थे, वो होता था लाइन क्लिपिंग। तो सिमिलरली पॉइंट क्लिपिंग में क्या होगा कि ये विंडो है और ये कोई पॉलीगन दिया हुआ है, तो जो इसके अंदर पार्ट होगा विंडो के अंदर उस पार्ट को हम रखेंगे और बाहर वाले पार्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, यही होगा पॉलीगन क्लिपिंग। अब इसको करने के तीन तरीके हैं, ये तीन अलग अलग जो आइडियाज़ हैं अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी सही या गलत नहीं है, सबका अलग अलग क्या कहते हैं सोचने का तरीका है, सबने अलग तरीके से करा है और कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा एल्गोरिथम या कौन सा ग्राफिक पैकेज हम यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। तो फर्स्ट आइडिया क्या था जो हमने कहा था,
अगर क्लिप करना है तो बाहर वाले पार्ट को जस्ट हमने रिमूव कर दिया और अंदर वाला जो विंडो के अंदर पार्ट आ रहा है उसको हमने रखा। ये है हमारा फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडिया। अब सेकंड, जो किसी दूसरे पर्सन ने क्या कहा कि ये एक पॉलीगन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। यहाँ पे हमने अंदर वाली लाइंस तो रख ली बट ये ओपन हो गया है, तो अब ये पॉलीगन नहीं रह गया है। तो उन्होंने इसको इम्प्रूव कैसे किया कि ये जो लाइंस है इनको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो ये एक हमारी क्लोज्ड फिगर बन जाएगी। ये स्टार्ट कैसे किया, जैसे हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से जब हम अंदर आए और यहाँ से हम यहाँ पे गए तो ये वाला पार्ट लिया, देन ये पार्ट लिया, देन जब हम बाहर से यहाँ पर आए तो ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो जब हम बाहर आउटवर्ड गए और फिर आउटवर्ड से हम इनवर्ड आ रहे हैं तो ये वाली लाइन को हमने कंसीडर कर लिया। ऐसे ये वाला पार्ट इनसाइड है तो रहने दिया, ये वाला पार्ट है इनसाइड तो रहने दिया, देन आउटसाइड गए फिर इनसाइड आए तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया। ये इनसाइड है रहेगा, ये इनसाइड है रहेगा, फिर आउटसाइड गए, आउटसाइड से इनसाइड आए तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया। ऐसे यहाँ पे जाके जब आउटसाइड गए, इनसाइड गए तो ये वाला पार्ट ले लिया, तो अब ये क्लोज्ड फिगर बन गया। देन थर्ड, अकॉर्डिंग टू थर्ड आइडिया, फिर किसी और ने क्या कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये जो विंडो के साथ जो विंडो की एज वाली लाइन है उससे हम इसको क्लोज फिगर बना देंगे। मींस पहले ऐसे लाइंस ली और देन विंडो की जो एजेस हैं उससे हमने इसे कवर कर लिया, क्लोज्ड पॉलीगन बना लिए। तो यहाँ पे ये एक पॉलीगन बना था पूरा और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 अलग अलग पॉलीगन बन गए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्राफिक पैकेज यूज़ कर रहे हो, कौन सा एल्गोरिथम कर रहे हो, किससे पॉलीगन क्लिपिंग कर रहे हो, बट ये तीनों ही सही हैं और कोई भी इसमें से गलत या सही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।